नमस्ते भारत, आप सभी लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट सचिन वाजे के मामले में देने वाली हूं। आप लोगों में से आई एम श्योर सचिन वाजे को कोई नहीं भूला है। वो कॉप एक जमाने में जो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता था मुंबई के अंदर, जो अब डिसमिस होकर के जेल की सलाखों के पीछे है, उसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला, बहुत अहम फैसला एनआईए ने ले लिया है। सचिन वाजे वाला जो मामला है, यानी कि एंटीलिया बॉम्ब धमाका और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए ने चार्जशीट भरने की, दाखिल करने की पूरी तैयारी कर ली है और अगले 10 दिन के अंदर एनआईए स्पेशल कोर्ट में अपनी चार्जशीट भरने वाली है और इसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आप लोगों को इस चार्जशीट के माध्यम से बहुत चौंकाने वाली खबरें मिलेंगी, बहुत ही सरप्राइज करने वाली खबरें मिलेंगी और सचिन वाजे का क्या भविष्य होने वाला है, सचिन वाजे के साथ एनआईए ने क्या किया है, ये तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूं। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। आप लोगों को याद है सचिन वाजे, सचिन वाजे के काले जो कारनामे हैं, करतूत हैं, वो सब याद हैं। सचिन वाजे ने कानून और संविधान और विधान को अपनी जेब में रख लिया था। मोस्ट एरोगेंट टॉप कॉप ही मैं उसको बोलूंगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल टॉप कॉप के जैसे, सीपी के जैसे वहां पर बिहेव किया करता था। मतलब जिस तरीके से करोड़ों की लग्जरी कार और घर से उसके पैसे और न जाने क्या क्या चीजें निकल करके आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा मुंबई सचिन वाजे की गिरफ्त में है, सरकार भी उसकी जेब में, सीपी भी उसकी जेब में है। वही सचिन वाजे अब अकेला जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और सबने उसको छोड़ दिया है, चाहे सरकार हो चाहे कोर सरकार, तो अब उसको डिसमिस करके अपना पल्ला झाड़ चुकी है। और ये जो चार्जशीट दाखिल करने वाली है एनआईए स्पेशल कोर्ट के अंदर, उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है वो कोई और नहीं अपितु सचिन वाजे है। जी हाँ, इस दोनों मामलों में आरोपी नंबर 1 सचिन वाजे को ही बनाया गया है और इसके अलावा जो और लोग हैं, टोटल सचिन को मिलाकर के 11 लोग हैं, उन सभी के नाम मैं आप लोगों को अभी पढ़ करके सुनाने वाली हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से एक बॉम्ब धमाका किया जाना था एंटीलिया के बाहर, यानी कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर। एक जिलेटिन से भरी हुई स्कॉर्पियो वहां पर लगा दी गई थी, जिलेटिन स्टिक से भरी हुई, और वो जो आतंकी हमला था उसका पूरे का पूरा दारोमदार, जिम्मेदारी, ब्लूप्रिंट तैयार करने का जो आरोप है वो सचिन वाजे के ही ऊपर है। मनसुख हिरेन की हत्या का आरोप भी सचिन वाजे के ऊपर है। अब किन किन लोगों के नाम है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, खबर बहुत पुख्ता है, वो नाम मैं एक बार आप लोगों के सामने पढ़ देना चाहती हूँ। नाम है आरोपी नंबर 1, मैंने आप लोगों को बता दिया है कौन है, उसके नाम आपको पता चल गया है। नंबर 1 सचिन हिंदूराव वाजे, नंबर 2 नरेश रमणीक लाल, नंबर 3 विनायक शिंदे, नंबर 4 रियाजुद्दीन काजी, नंबर 5 सुनील धर्मा, नंबर 6 संतोष शेलार, नंबर 7 आनंद पांडुरंग जाधव, नंबर 8 सतीश तिरुपति, नंबर 9 मनीष वसंत भाई सोनी और नंबर 10 प्रदीप शर्मा। इन सब के नाम चार्जशीट में लिए जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। ये पुख्ता जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से ये खबर मिलकर और निकल कर के आई है। इसके अलावा एनआईए ने जो एक बहुत बड़ी बात बोली है, जो बहुत बड़ा खुलासा किया है इस पूरे मामले के अंदर, उन्होंने ये दावा किया है स्पेशल कोर्ट के अंदर मुंबई के, कि इस पूरे हाई प्रोफाइल केस में जितने भी गवाह हैं उन गवाहों को लगातार धमकाया जा रहा है, यानी कि उनको डराया जा रहा है, यानी कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, प्रॉब्ली अपना उनका जो स्टेटमेंट है, उनकी जो गवाही है उसको विड्रॉ करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोगों के नाम खुल करके सामने आ सकते हैं। और बाय द वे, सचिन वाजे को आरोपी नंबर 1 बनाना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इट इज अ बैड न्यूज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। आई एम श्योर बहुत सारे लोग मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक हिले हुए होंगे।
क्योंकि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये देश के एक बहुत नामी गिरामी बहुत बड़े उद्योगपति के घर के बाहर और देश के अंदर आतंकी हमला करवाने का मामला और मनसुख हिरेन का इस्तेमाल इस आतंकी हमले में करके उसको मार देने का मामला है। तो ये मामले के ऊपर अब बहुत सारी चीज़ें खुल करके निकल के आने वाली हैं। बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे कि डिले हो रहा है चार्जशीट भरने में, जो स्पेशल कोर्ट है NIA स्पेशल कोर्ट, उन्होंने भी NIA को 30 दिन यानी एक महीने का समय दिया था देरी को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन फाइनली अब ये जो निर्णय आया है ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये आज का निर्णय है कि नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी स्पेशल कोर्ट में। तो अब सचिन हिंदूराव वाजे का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, काला हो गया है, और होना भी चाहिए। अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पूछें तो मैं बिल्कुल इस बात की पक्षधर हूँ कि जो भी लोग अपनी वर्दी का, अपनी पार का, अपनी पोजिशन का गलत इस्तेमाल करके कानून को अपनी जेब में रखते हैं और ये सोचते हैं कि कानून तो हमारी बपौती है, संविधान हमारी बपौती है, हम कुछ भी गलत काम करेंगे तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। कोई भी कॉप, वो टॉप टू बॉटम कोई भी हो, अगर वो खाकी का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर ये स्वरूप पुलिस महकमे के अंदर से किसी का भी और कहीं से भी नहीं देखा जा सकता। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो देश की और जनता की सेवा करने के लिए उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो वर्दी उन्होंने पहनी हुई है। हालांकि मैं ये भी बार बार बोलती आई हूँ कि मुंबई पुलिस के अंदर सब लोग खराब हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ईमानदार जिम्मेदार पुलिस वाले आज भी वहाँ पर हैं, और ये बात मैं पूरी दावे के साथ कह सकती हूँ। प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे, रियाजुद्दीन काजी और सबसे महान व्यक्ति परमवीर सिंह, इन लोगों ने मुंबई पुलिस को बदनाम करके रख दिया है, ये शर्म की बात है। बट एनीवेज अब सच्चाई पूरी खुल करके बाहर निकलने वाली है। उगाही खोर भी सचिन वाजे है, उस मामले में भी सचिन वाजे पर बहुत बड़ा केस चलना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ ये भी गवाही हो गई है कि सचिन वाजे ही रेस्टोरेंट ओनर्स और होटल ओनर्स से उगाही करवाते थे, उनसे पैसा लिया करते थे, और वो पैसा फिर वो दिया करते थे अनिल देशमुख के जो PA हैं उनको, और 4.7 करोड़ की ट्रेल वहां से भी निकल करके आई। तो सचिन वाजे जो है ना मोस्ट वांटेड आदमी है, एक नंबर का गुंडा, कुख्यात अपराधी, खाकी वर्दी पहना हुआ। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट क्यों करवाया गया। सचिन वाजे को रातों रात बैकडोर से एंट्री दिलवा करके कोविड के नाम पर दोबारा से मुंबई की पुलिस के अंदर क्यों लाया गया। लेकिन फिर मुझे लगता है कि इसमें समझने की कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। जब सचिन वाजे के काले कारनामे और काली करतूतें समझ में दिख रही हैं या उगाही का मामला समझ में आ रहा है, तो लगता है कि इसी काम के लिए उसको बुलाया गया था, यही काम था, और वो अपने आकाओं के लिए ये काम कर रहा था। अब बस अपने आकाओं का नाम तोते की तरह ये बाहर निकाले और उसके बाद उन आकाओं तक भी पहुंचा जाए, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन है सचिन वाजे पर और इन तमाम 10-11 लोगों पर नहीं रुकनी चाहिए, इनके ऊपर जो पॉलिटिकल संरक्षण है उनको भी पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है। ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पर एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते मानती हूँ। अब इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुँचाइएगा। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।